नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत से इंडोर प्लांट की बात करूंगा जिसका नाम है मनी प्लांट। मनी प्लांट दोस्तों वैसे तो हर घर में लगाया जाता है, किसी भी सॉइल मिक्सचर में प्लांट लग जाता है और किसी भी कंडीशन में प्लांट जो है सर्वाइव कर जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इस प्लांट को दोस्तों सर्वाइव करने के लिए, कुछ हरा भरा रखने के लिए, बुशी बनाने के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो क्या क्या बातें हैं दोस्तों मेरे आज इस वीडियो में आपको पता चलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उसे स्किप मत कीजिएगा, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगेगा। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस प्लांट को लगाने से घर में सुख समृद्धि बना रहता है और आपको धन की कमी कभी भी नहीं रहती। वैसे तो जो है एक ट्रेलिंग प्लांट है, ऊपर की साइड जो है प्लांट जो है ग्रो करता रहता है। इस प्लांट को है दोस्तों आप इनडोर आउटडोर किसी भी एरिया में रख दे, वहाँ ये प्लांट जो है बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है और बहुत जल्दी ये प्लांट जो है बुशी बन जाता है। यदि आप इस प्लांट को इंडोर रखते हैं तो वहाँ रखें जहाँ पर इसे अच्छी लाइट मिले, और यदि आउटडोर रख रहे हैं तो वहाँ रखें जहाँ पर इसे सुबह की जो है 2 या 3 घंटे की ही धूप मिले, उसमें यह प्लांट जो है बहुत अच्छा जो है ग्रो करता है। केयर की बात करें दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप इस प्लांट को आप लगाते हैं तो इसकी बेटर ग्रोथ के लिए, इसके बुशी होने के लिए दोस्तों आप इसे वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर में ही लगाएं तो प्लांट बहुत अच्छा जो ग्रो करेगा। सॉइल मिक्सचर में दोस्तों आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा आप रेत लें, इन तीनों का मिक्सचर बनाएं जिसमें जो है पानी बिल्कुल भी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि ज़्यादा पानी जो है इस प्लांट को दोस्तों ख़राब कर सकता है। ज़्यादा पानी इस प्लांट को जो है वो पसंद नहीं है। इस प्लांट को आप पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी जो है पूरी तरह से ड्राई हो जाए। मेरे पास दोस्तों 3 गमलों में जो है ये मनी प्लांट लगा हुआ है, और एक तो ये दोस्तों मेरे पास ये नॉर्मल वेराइटी है जो मोस्टली हर घर में लगाई जाती है, और दूसरा दोस्तों मेरे पास ये है नियोन पोथोस कहते हैं। इसकी जो लीव्स हैं दोस्तों ये अपना येलिश येलो कलर में होते हैं और बहुत ही दोस्तों ये प्लांट खूबसूरत लगता है और बहुत जल्दी ये बुशी भी बन जाता है। इस प्लांट को दोस्तों मैंने भी 1 महीना पहले ही जो है नर्सरी से लिया था, और उसके बाद दोस्तों इस प्लांट की जो है ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो रही है, क्योंकि जो मैंने इसे सॉइल मिक्सचर दिया था उसमें दोस्तों इस प्लांट को बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिल रहा है मुझे। दोस्तों इस प्लांट की आप छोटी से छोटी कटिंग भी लगाते हैं तो वो भी बहुत ही आसानी से जो है ग्रो हो जाती है, और इस प्लांट को आप जो है मिट्टी में भी लगा सकते हैं, पानी में भी लगा सकते हैं। मैंने दोस्तों ये प्लांट जो है पानी में भी बोतल में ग्रो किया हुआ है और वो इनडोर रखा हुआ है। सनलाइट की बात करूं दोस्तों, इस प्लांट को जो है यदि आप लगाते हैं तो यदि आप आउटडोर रख रहे हैं तो वहां रखें जहां से सुबह की 2 या 3 घंटे की धूप मिले। उसमें जो दोस्तों इसके प्लांट की जो कलर्स हैं बहुत ही सुंदर निखर के आते हैं कलर, और यदि आप इसे इंडोर रख रहे हैं तो आप इसे वहां रखें जहां पर जो इसे है ब्राइट लाइट मिले, क्योंकि दोस्तों इस प्लांट को जो है रोशनी बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है इसके अच्छे लीव्स के लिए और इसके जो कलर्स हैं उनके लिए। यदि आप इस प्लांट को जो है इंडोर में किसी डार्क एरिया में लगा देंगे तो वहां पर दोस्तों ये प्लांट जो है ग्रो करेगा, लेकिन जो इसकी पत्तियां हैं उसमें दोस्तों कलर्स नहीं आएंगे और वो ग्रीन ग्रीन ही रहेंगी दोस्तों, उनकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही कम होगी। आप इस प्लांट को जो है 2 या 3 दिन में एक बार जो है मिस्टिंग भी कीजिए। मिस्टिंग जो है इस प्लांट को बहुत ही पसंद है पानी से। दोस्तों जब आप इसकी मिस्टिंग करते हैं तो एक तो इसकी जो लीव्स है वो साफ रहते हैं, चमकदार होते हैं और ग्रोथ इस प्लांट की बहुत अच्छी होती है। जब भी आप दोस्तों इस प्लांट को पानी दें तो इस प्लांट को भी पानी दें, और साथ में जो इसकी माउस स्टिक होती है उसमें आप पानी करें, क्योंकि ये माउस स्टिक जो होती है इसमें जो इसकी एरियल रूट्स हैं वो दोस्तों लग जाती हैं और वो इस पौधे को जो है उससे जो है अपना पोषण लेती हैं। फर्टिलाइजर की बात करूं दोस्तों, आप इस प्लांट को जो है महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या आप गोबर की खाद दें तो दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है गोबर की खाद इस प्लांट के लिए। और उसके अलावा दोस्तों आप इस प्लांट को जो है अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। आप गोबर की खाद
एक मुट्ठी जो है वो 1 लीटर पानी में भिगोकर 2 दिन तक रखिए और अगले दिन जो है उसे लिक्विड फॉर्म में दीजिए। दोस्तों लिक्विड फॉर्म में कोई भी आप फर्टिलाइजर देते हैं तो उसका जो असर है वो इंस्टेंट होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, आप इस प्लांट को जो है मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं और पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इस प्लांट को जो है छोटी सी इस बोतल में लगाया हुआ था, आप देख सकते हैं इसने अपनी जो रूट्स है वो डेवलप कर ली हैं और ये छोटी सी कटिंग दोस्तों मैंने ली थी। आप भी दोस्तों छोटी सी छोटी कटिंग जो है इस प्लांट की ले सकते हैं और पानी में भी दोस्तों बहुत आसानी से जो है प्लांट चल जाता है। तो दोस्तों आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, इस प्लांट को सबसे पहले तो सॉइल मिक्सचर अच्छा हो, वेल ड्रेन हो, लाइट इस प्लांट को अच्छी मिले, ब्राइट लाइट मिले। उसके बाद दोस्तों इस प्लांट को आप जो है माउस स्टिक पे लगाएं, उसमें इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। जो इसके जो लीव्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े आएंगे, अच्छी रोशनी मिलेगी। दोस्तों इसके जो कलर्स हैं वो बहुत ही प्यारे आएंगे। और दूसरा इसके अलावा दोस्तों इसकी बेटर ग्रोथ के लिए आपको इसको अपने सभी इंडोर प्लांट्स को जो है महीने में एक बार NPK का स्प्रे करें, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोलकर अपने सभी इंडोर प्लांट्स को दें, उससे भी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। उससे इस प्लांट को जो है सभी जो इसके माइक्रो न्यूट्रेंट्स चाहिए होते हैं वो मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी इस प्लांट के बारे में। होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।